कभी कभी बचपन की बातें बच्चों के जहन में ऐसी घर कर जाती हैं कि बड़े होने पर वह उनका जुनून बन जाती हैं। एक ऐसा ही जुनून सागर के एक युवा में देखने को मिला। 3 साल की उम्र में माता पिता ने शौक में उसको फौजी की ड्रेस दिला दी। बच्चा उसे पहनकर घूमने लगा। वह कॉलोनी में आने वाले आर्मी स्कूल की बसों पर बैठे जवानों को देखा करता था। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही हीरो HF डेलक्स खरीदें। बचपन में ही फौजी बनने की ठान ली और आज 20 साल बाद उसने सपना सच कर दिखाया है। आज उस युवा के कंधों पर स्टार है और उसे सेना में लेफ्टिनेंट का पद मिला है। आज जून को उसने ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी गया बिहार में परेड के बाद बचपन के शौक को सच में तब्दील कर दिखाया। वर्दी में देखकर दादा माता पिता और बड़े भाई का सीना चौड़ा हो गया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे सागर के बकरौनिया निवासी विभु शर्मा ने करके दिखाया है, जिन्होंने 23 साल की उम्र में SSP जैसी कठिन परीक्षा को न केवल पास किया बल्कि ट्रेनिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में की गई है। विभु बताते हैं कि साल 2020 में 90 पदों पर भर्ती निकली थी जिसमें मध्य प्रदेश से केवल सागर और रीवा के युवकों का चयन हुआ था। आगे बताया कि अगर कोई बच्चा सपना देख रहा है तो वह हार्ड वर्क, डिसीजन मेकिंग और अपॉर्चुनिटी, अगर इन बातों को उसने अपनाया है तो सफलता निश्चित है। विभू के पिता राजेश शर्मा प्राइवेट जॉब करते हैं, माँ सुनैना शर्मा हाउस वाइफ है, दादा रिटायर्ड पुलिस कर्मी है, इनसे बड़े भाई अभिषेक हैं। इनका घर मकरोनिया के दीनदयाल नगर में है। विभू की स्कूली शिक्षा ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल से हुई। 12वीं के बाद SSP का पहला एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया। हालांकि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, घर से भी पूरा सपोर्ट मिला। देखिए, अब मैं अपनी जो भी अभी आज मैं बना हूँ, मैं पूरा श्रेय अपनी फैमिली को ही देता हूँ, क्योंकि बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को उसमें डाल दें, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो और कहीं इतना अच्छा नहीं हो सकता जो मैं मानता हूँ। तो और SSB में ज़्यादातर कैरेक्टर डेवलपमेंट की ही बात होती है, वही देखते हैं लोग कि आप किस तरह ऑफिसर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें बनावटी नहीं हो सकते। और वो कैरेक्टर डेवलपमेंट ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, टीम गेम्स, इन सब में ही डेवलप होता है। और अगर आप अच्छी शिक्षा ले रहे हैं किसी अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, आपका घर का वातावरण और सब कुछ अच्छा है, तभी आप SSB क्लियर कर सकते हैं। तो मैं पूरा श्रेय अपने घर वालों को ही दूंगा। और प्रिपरेशन एक तरह से मेरे घर से ही चालू हो गई थी, तो उस तरह ही एग्जाम क्लियर करने का श्रेय तो मेरे घर पे ही जाता है। देखिए, मैं कोई मुझसे अगर ऐसा कुछ सवाल पूछा तो मैं 3 चीज़ें बताता हूँ हमेशा, कि पहली चीज़ तो हार्डवर्क, जो कि अनपैरेलल है, वो करना ही करना है सबको। अगर आपने सोच लिया कुछ करने के लिए तो आप उसमें डट जाइए एकदम, लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको एक लेन का घोड़ा भी नहीं भरना है, आपको देखना है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मुझे, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना चाहते हैं तो फिर उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, हार्डवर्क, डिसीजन मेकिंग और अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप जैसे चल रहे हैं तो वो पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे अब टर्न लेना है, कहाँ मुझे स्लो होना है, कहाँ मेरे को प्रिपरेशन तेज़ करनी है अपनी। आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वजह से आपको छोड़ना पड़ जाए, या आप बहुत धीरे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन ही ना हो पाए। तो आपको ये देखना जरूरी है कि कब मुझे प्रिपरेशन अपनी तेज़ करनी है, कब मुझे बाकी जगहों पर भी ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, खेलकूद में भी ध्यान देना है, और इस तरह इंटरेस्ट जगह रहता है। वरना अगर आप एक ही चीज़ करते रहेंगे तो थोड़ा आजकल की जनरेशन में बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट गवा देते हैं, कहीं और इंटरेस्ट चला जाता है उनका। आर्मी का मेरा ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी था कि जो जिस तरह की लाइफ आर्मी प्रोवाइड करती है, आप देश सेवा के साथ साथ आप जगहों पर भी जो आपकी एडवेंचर लाइफ होती है वो भी आपकी जीवित रहती है पूरे टाइम, स्पोर्ट्स एडवेंचर लाइफ की। तो अब यही सपना है कि अपनी सर्विस अच्छे से करूं, जहां जाऊं वहां पे अच्छे से परफॉर्म करूं, अपने घर वालों का नाम तो जुड़ ही गया है, साथ में हमेशा से जुड़ा था, उनका नाम रोशन करूं, और अगर कहीं मेरा नाम आता है तो मेरे घर वालों का भी नाम ऊंचा होगा और मेरे देश का नाम आगे लेके जाऊं। इससे बड़ा खुशी का दिन और नहीं था, क्योंकि बचपन से इंसान सोचता कि बच्चे बड़े होकर कुछ बने, वो सपना पूरा हुआ। हमारे और हमारे परिवार का इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट और सबसे बड़ा कहना चाहिए अचीवमेंट था हमारे फैमिली के लिए, इन्होंने कमीशन लिया, इनकी जो इच्छाएं थी बचपन की वो इच्छाएं पूरी हुई। हमने कहते ना सपने साकार होते हैं, बिल्कुल सपने साकार होते हैं। जब ये 3 साल के थे तब ये ड्रेस लगाए थे, और जब ये जो 23 साल के हुए तब इन्होंने वर्दी लगाई, वो भी सितारों के साथ लगाई। और जो आर्मी का जो सबसे बड़ी रैंक की शुरुआत होती है, उस रैंक को उन्होंने कमीशन प्राप्त किया। ये हमारे और हमारे फैमिली के लिए इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ा खुशी का मोमेंट। इसमें इसकी सफलता से बेहद खुशी हुई है हम लोगों को, और
मुझे क्या कहें, खुशी हुई है, विशेष खुशी हुई है, क्योंकि अपने यहाँ अपने परिवार में ही मतलब पहला ऐसा हुआ है, इस पद पर पहुँचा है, इसकी बेहद खुशी है। ये बचपन से इस तरह की इनकी गतिविधियाँ थी, इसकी रुचि इसी में थी, इसकी फोर्स में जाने की और कुछ करने के लिए, देश सेवा के लिए, ऐसा ये मन में भावना इसकी शुरू से ही थी। ये सैनिक स्कूल में भी पढ़ने जाता था यहाँ, तो वहाँ से ही इसको मतलब ये आभास हुआ कि हमको इसमें जाना चाहिए, और इस तरह से मतलब इसने प्रयास किया और बारहवीं करने के बाद इसमें मतलब। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77000 रुपए में। आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदें।